हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और आज हमारे साथ हैं एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट्स कुरुंदवाड़ के फैसल कोठावड़े। हेलो फ्रेंड्स। हाँ, इनके जो है इंट्रोडक्शन करने के ये मोहताज है क्योंकि इन्होंने अब तक जो है कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, यहाँ तक कि रणजी में ट्रॉफी भी नहीं खेला है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला है। जिस तरह आईपीएल के अंदर हार्दिक पांड्या या कृणाल पांड्या, इनको रणजी खेले बिना डायरेक्ट इंटरनेशनल टीम में लिया जाता है, वैसे हमारे फैसल कोठावड़े बिना कोई मैच खेले डायरेक्ट एक्सपर्ट बन गए हैं। तो फैसल, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की जो है T20 आई सीरीज़ हो गई, इंडिया जो है इसके अंदर बराबरी पर रही, तो बताइए आप सीरीज से क्या लेना चाहिए हमें? सीरीज से हमें हमारा इंडिया का घमंड जो था, जो हम कहते हैं कि हम T20s में स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास स्पेशलिस्ट बॉलर है, ऑलराउंडर्स बेहतरीन हैं, लेकिन उस पहली मैच में उन्होंने हमारी नानियाँ दिला दी। इससे हमारा गुरूर टूट चुका था और हमने बहुत प्रैक्टिस की, इसका फल हमें आखिरी अगर तीसरे मैच में मिला। दूसरी मैच बारिश के कारण तो नहीं हो सकी, ये हमारी बदकिस्मती है। ऐसा लग रहा था कि उस प्रैक्टिस के वजह से हम दूसरी मैच और तीसरी मैच दोनों लगातार जीत सकते थे और सीरीज़ को जीतने की हमारी ख्वाहिश अधूरी रह गई, अगली बार ज़रूर जीतेंगे। क्या आपको लगता है एम एस धोनी की ये कमी खली आपको? MS धोनी की तो बल्लेबाजी में उतनी कमी नहीं खली, लेकिन जो एक्सपीरियंस की बात आती है, जब जब अनुभव लगता है तभी थोड़ी सी कमी खली। तो गब्बर ने किस तरह की इनिंग खेली? 2 अर्धशतक लगाए सीरीज के अंदर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? गब्बर ने एक अर्धशतक लगाया जो बहुत तेज़ी के साथ था और वो टीम के लिए ज़रूरत था, लेकिन वो टीम जीत नहीं सकी। गब्बर तो दहाड़ा लेकिन टीम दहाड़ने से रह गई। लेकिन तीसरे मैच में कोहली के साथ अच्छा सहयोग देते हुए अच्छी शुरुआत दिलाई टीम इंडिया को, इसलिए उनका हाथ सबसे बड़ा था टीम इंडिया की जीत में। विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन गब्बर उनसे भी बेहतरीन पारी खेली। आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने KL राहुल हैं, कमाल लाजवाब राहुल, तो इनका बल्ला अभी तक नहीं चला, कई एक शतक लगाने के बाद तब से लेकर अब तक जो है इनका बल्ला शांत है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो लाजवाबी है, वो कभी ही चलते हैं, जब चलते हैं तो आंधियों की तरह चलते हैं, तूफानों में जो जो कहते हैं ना, डूबती आग को तिनके का सहारा होता है, वो वैसे है। वो कब चलेंगे तब तूफान लाएंगे, उनका नाम लाजवाब है, हमें उन्हें रखना चाहिए और एक सीरीज ट्राई करनी चाहिए। अगर उसमें नहीं खेले तो हमें उन्हें बाहर निकाल, लात नहीं मारनी चाहिए, सिर्फ बाहर निकालना चाहिए। हाँ, हमारे KKR के जो कैप्टन है ये DK, इनके बारे में क्या करना चाहिए? हर बार नाबाद रह के आ रहे हैं, आउट ही नहीं हो रहे। डीके एक ऐसा बच्चा है जो अपने यहाँ से खेल के बड़ा हुआ है, उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस की है, उनकी वजह से मिडिल ऑर्डर में बहुत सुधार आ चुका है। उनकी नाबाद पारियों की वजह से वो MS धोनी को पीछे पाड़ सकते हैं और MS धोनी की कमी उनसे खेल सकती है। लेकिन हमारे सेलेक्टर आज युवा जोश के पास जा रहे हैं, एक्सपीरियंस को उन्हें अहमियत नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस भी बहुत अहमियत का है। DK को हर मैच खिलाओ और वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप फाइनल खिलाओ, फाइनल ज़रूर जीतेंगे। और अपने जो कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल के कुलचा जिसे कहते हैं हमारे आकाश चोपड़ा सर, तो कुलचा को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है? कुलचा में कुल तो खेल रहा, कुल नहीं खेल रहा, चा खेल कुल खेल रहा है लेकिन चा नहीं खेल रहा। कृणाल पांड्या को आजमा कर देख रहे हैं, लेकिन चहल को ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि चहल और कुलदीप यादव एक साथ खेलेंगे तो कोई भी बॉलर की ज़रूरत नहीं है। अगर वनडे हो तो 10 ओवर 20 ओवर में मैच ख़त्म कर देंगे दोनों मिलके। उनके जैसे गेंदबाज स्पिन ट्विंस आज कोई नहीं है, और ज़रूर खिलाए कुलदीप यादव चहल को एक साथ खिलाए, वरना नहीं खिलाएंगे। अगर खिलाना ज़रूर है, विराट कोहली को समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर और एक सवाल था हमारे व्यूअर्स के लिए कि जिस तरह KKR ने जो है सुनील नारायण को ओपनिंग में भेजा और वो ने आ रहे हैं, छक्के लगा रहे हैं, एक 20 बॉल में 50 मार रहे हैं ना, आ रहे हैं, और अंदर रसेल आ रहे हैं 11 छक्के मार रहे हैं, तो इंडिया में कोई प्लेयर है ऐसा 11 छक्के मारने वाला एक इनिंग में? वैसे तो प्लेयर हमारे पास बहुत सारे हैं, रोहित शर्मा हमारे हिटमैन, वो हिटमैन अपने जब बैठेंगे तो शो दिखा ही देंगे, और लाजवाब राहुल जब चलेंगे तो सबको 11 छक्के क्या 22 छक्के लगा देंगे, उनके पास लाजवाब कमाल है। हार्दिक पांड्या की एक कमी महसूस हो रही है, लोअर ऑर्डर फिनिशिंग करने के लिए प्लेयर चाहिए,
कुणाल पांड्या खेलते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं खेल रहे, इसलिए हमें ये इस काम पे थोड़ा जोर देना है, लेकिन जैसे भी खेलते हैं हमारे बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जो है इस एक्सपर्ट की, वैसे तो हम भी जानते थे लेकिन आपने बता दिया, अच्छा हो गया। तो ठीक है फ्रेंड, आज हमारे साथ है फैसल कोटावड़े।